अगर आप एक कंप्यूटर यूजर हो तो आई एम श्योर आपने कभी ना कभी इस एरर को जरूर देखा होगा जिसका नाम है ब्लू स्क्रीन या फिर कह लो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ या फिर कह लो बी शॉर्ट या फिर कह लो स्टॉप एरर। तो आई एम श्योर आपने भी कभी ना कभी इस एरर को अपने कंप्यूटर में अपने फ्रेंड्स फैमिली या फिर रिलेटिव के कंप्यूटर में इस एरर को जरूर देखा होगा या फिर आपने इस एरर के बारे में जरूर सुना होगा। ये एरर आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में कभी भी आ सकता है। तो आखिर में ये एरर है क्या, ये कैसे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आता है और कैसे हमारे कंप्यूटर को पूरी तरह से खराब कर देता है और इसका क्या सोल्यूशन है? वेल, अगर आप एक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप चलाते हो, आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हो, कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हो, तो ऐसे में आपको ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ क्या होता है, इसके आने के क्या क्या कारण है और इसे किस तरह से ठीक किया जाता है, ये सब आपको जरूर पता होना चाहिए। वेल, अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और टेक्नोलॉजी के चैनल में आपका स्वागत है। तो बी शॉर्ट या फिर कह लो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, ये एक तरह का सिंपल भाषा में कहे तो एक कंप्यूटर एरर होता है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में या फिर लैपटॉप में कभी भी आ सकता है। और जैसे ही आपके कंप्यूटर सिस्टम में ये एरर एक बार आ जाता है, उसके बाद जब भी आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को रीस्टार्ट करते हो या फिर कह लो ऑन करते हो, तो जैसे ही आप ऑन करते हो तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक ब्लू कलर का स्क्रीन दिखाई देता है जिसमें आपको जो भी एरर है वहां पर दिखाई देता है कि आपके कंप्यूटर में ये एरर है या फिर एरर कोड वहां पर आपको शो करके दिखा देता है। उसके बाद कई बार आपको ये बोलता है कि अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट करो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। तो कई बार हम अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, दोबारा से ऑन करते हैं, तो भी ये एरर फिक्स नहीं होता, ठीक नहीं होता। तो आखिर में ये एरर क्या है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? देखो यार, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में ये ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एरर आने का कोई एक कारण नहीं हो सकता, कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि जिस कंप्यूटर सिस्टम में ये ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का एरर आया है उसमें सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो, हार्डवेयर प्रॉब्लम हो, या फिर वायरस आ गया हो, या फिर उसके रजिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर विंडो करप्ट हो गया है। तो यहाँ पर ये एरर आने का कोई एक सिंगल प्रॉब्लम नहीं है, इसके कई कारण हो सकते हैं। तो बाय चांस मान लो अगर आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में भी कभी ये एरर गलती से आ जाता है, तो ऐसे में आप ध्यान से देखना उस ब्लू स्क्रीन में, वहाँ पर उस एरर का जो भी ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एरर है उसका जो भी रीज़न है या फिर कहें नाम है, वो आपको वहाँ पर शो हो जाएगा। साथ में आपको नीचे की साइड में एक एरर कोड भी लिखा हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में अगर आपको जानना है कि वो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का कौन सा एरर है, किन कारणों की वजह से आपको वो एरर आया, तो ऐसे में आप वही सेम नाम या फिर कह लो वही सेम कोड आप गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं। तो वहां पर आपको वो एरर का नाम पता चल जाएगा, उसका बेस्ट सॉल्यूशन आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो यहां पर बेसिकली मैं आपको कुछ कॉमन एरर बताने वाला हूं जो मोस्टली आपको ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ के अंदर देखने को मिल जाता है, साथ में उनका सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं। तो चलिए ये जान लेते हैं एक एक करके। तो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ में जो सबसे पहला कॉमन प्रॉब्लम आता है जिसका नाम है इनएक्सेसिबल ऑफ बूट डिवाइसेस। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये एरर आपके कंप्यूटर सिस्टम में तब आता है जब आपके कंप्यूटर में कोई भी बूट डिवाइसेस यानी बूट करने के लिए जो जो जरूरी चीजें होते हैं वो इनएक्सेसिबल है। तो ऐसे में ये एरर आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपका हार्ड डिस्क सही से काम नहीं कर रहा, आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में जो भी हार्ड डिस्क है वो प्रॉपरली कनेक्ट नहीं है, तो ऐसे में आपको ये एरर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मान लीजिए कोई ड्राइवर मिसिंग है आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो कि बूट करते वक्त ज़रूरत हो, तो ऐसे में आपके कंप्यूटर सिस्टम में ये जो भी ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ जो भी इनएक्सेसिबल ऑफ बूट डिवाइस एरर है ये आ सकता है। इसके अलावा कई और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि फाइल मिसिंग हो गया ओएस में, या फिर आपने बायोस में कुछ ऐसा उल्टा सीधा सेटिंग कर दिया हो, सेटिंग सही नहीं हो, तो ऐसे में आपको यहाँ पर जो भी ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ है, जो भी इनएक्सेसिबल ऑफ बूट डिवाइसेस एरर है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो यहां पर इस एरर को फिक्स करने के लिए आपको चेक करना होगा कि जो भी आपके डिवाइसेस है जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया या फिर दूसरी डिवाइसेस है वो प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं, या फिर इसके अलावा आप सिस्टम रिपेयर टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हो सकता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट एरर आता है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ में जो कि कॉमन है जिसका नाम है मशीन चेक एक्सेप्शन। वेल, ये एरर आने के भी ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ में कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो भी ड्राइवर हो वो करप्टेड हो, हाल ही में जो आपने ड्राइवर इंस्टॉल किया हो वो सपोर्टेबल नहीं हो, करप्ट हो, या फिर आपने अपने कंप्यूटर में जो भी रजिस्ट्री में कुछ चेंजेस करे हैं, आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या फिर कह लो क्रैक टूल इस्तेमाल किया है जो सॉफ्टवेयर को क्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया गया, तो ऐसे में आपके रजिस्ट्री में कुछ चेंजेस की वजह से ये एरर आ सकता है। या फिर हो सकता है कि हाल ही में आपने अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया या फिर ऐप इंस्टॉल करा है, या फिर आपका जो भी CPU है वो ओवरक्लॉक हो गया, तो ऐसे में आपके कंप्यूटर सिस्टम में ये जो एरर है ब्लू
स्क्रीन ऑफ डेथ मशीन चेक एक्सेप्शन ये एरर आ सकता है, यही कारण हो सकते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो भी ड्राइवर है वो अपडेट करने होंगे, लेटेस्ट कंपैटिबल ड्राइवर को ही इंस्टॉल करना होगा, या फिर जो भी रजिस्ट्री में चेंजेस कर रहे हैं उसे वापस वैसे ही करना होगा जैसे पहले था। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपने हाल ही में इंस्टॉल किया है तो उसे डिलीट कर दे। तो इन सभी चीज़ों से आप इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ में, जिसका नाम है फाइल सिस्टम एरर। जी हाँ, अगर आपको ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ में किसी भी तरह का फाइल सिस्टम एरर देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण है आपके हार्ड डिस्क में। हो सकता है आपका जो हार्ड डिस्क है वो फेल हो गया, आपका हार्ड डिस्क करप्ट हो गया, आपके हार्ड डिस्क में कोई फिजिकल डैमेज हो, कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, या फिर आपका हार्ड डिस्क जो है वो प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं हो, आपका हार्ड डिस्क करप्ट हो गया, तो ऐसे में आपको ये फाइल सिस्टम एरर देखने को मिल सकता है। तो कोशिश करें आप अपने हार्ड डिस्क को चेक कर ले कि भैया कहीं उसमें कोई डैमेज तो नहीं है, या फिर आपका हार्ड डिस्क कहीं हिल तो नहीं गया, वो प्रॉपरली कनेक्टेड तो नहीं है, या फिर अगर उसमें किसी भी तरह का करप्टेड फाइल पड़ा हो या फिर आपका हार्ड डिस्क करप्ट हो गया, तो ऐसे में आप उस हार्ड डिस्क को एक बार अच्छे से फॉर्मेट मार लें, उसके बाद आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे में आप इस एरर को दूर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस एरर के पीछे आपके हार्ड डिस्क में कुछ प्रॉब्लम की वजह से ही ये एरर आपको ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ में देखने को मिल जाता है। इन सभी के बाद जो अगला जो कॉमन प्रॉब्लम आता है जो आपको ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ में देखने को मिल जाता है, जिसका नाम है डेटा बस एरर। वेल, ये प्रॉब्लम या फिर कह लो ये कॉमन एरर आपको तब आता है जब आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में कोई भी हार्डवेयर में प्रॉब्लम हो। तो मोस्टली अगर आपके कंप्यूटर में जो भी मेमोरी है या फिर कह लो रैम है उसमें कोई फिजिकल डैमेज हो या फिर रैम प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं हो, रैम एक्सेसिबल नहीं हो, तो ऐसे में आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ में, जिसका नाम है डेटा बस एरर। तो इस एरर को फिक्स करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में जो भी रैम है उसे एक बार बाहर निकाल लो और दोबारा से उसे कनेक्टेड कर लो, या फिर रैम के स्लॉट में जो भी धूल है या फिर मिट्टी है उसे अच्छे से साफ कर लो, या फिर अपने रैम को दूसरे स्लॉट में ऐड कर लो। तो ऐसे में आपका जो कंप्यूटर में जो भी ये एरर है वो ठीक हो सकता है, या फिर इसके अलावा फिर भी काम ना करे तो हो सके तो चेक कर ले कि कहीं आपके रैम में कोई फिजिकल डैमेज तो नहीं आ गया, रैम को चेंज करके देख लो, तो ऐसे में जो भी ये प्रॉब्लम है वो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन एरर जो मोस्टली आपको ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को एक टिप्स देना चाहूंगा, मान लीजिए अगर आपके कंप्यूटर में किसी भी तरह का ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एरर आ जाए तो ऐसे में आप क्या करना, अपने कंप्यूटर में जो भी विंडो है उसे फॉर्मेट कर लेना और उसके बाद एक नया विंडो इंस्टॉल कर लेना। तो अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो भी विंडो इंस्टॉल हो जाता है और आपका सिस्टम प्रॉपरली काम करता है तो ऐसे में आपके विंडो में हो सकता है कि ड्राइवर प्रॉब्लम हो, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो, तो वो फिक्स हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो भी विंडो है वो इंस्टॉल नहीं हो रहा, आपका हार्ड डिस्क एक्सेसिबल नहीं है, तो ऐसे में हो सकता है कि आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में हार्डवेयर प्रॉब्लम है जिसके वजह से ये ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एरर आपको आया। इसके अलावा दोस्तों आप विंडोज रिपेयर टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके सिस्टम में यानी विंडोज में जो भी फाइल मिसिंग है या फिर करप्ट हो चुका है तो ऐसे में आप उसे फिक्स कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स है जो आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ जाए। तो मोस्टली मैं हर बार यही करता हूं, अगर मेरे सिस्टम में किसी भी तरह का ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ जाता है तो मैं यहां पर एक नया विंडो इंस्टॉल कर लेता हूं। तो ये टिप्स आप भी अपना सकते हैं। तो यही थे कुछ कॉमन प्रॉब्लम ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ के और उनके सॉल्यूशन। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बस यार इस वीडियो के बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगे कुछ जानने को मिला तो वीडियो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हो सके तो इसे शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और अगर आपको इसी तरह के वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन पर जरूर दबाना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलता हूं मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।